चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं फिर। नेक्स्ट पे जो कह रहा है कि जी आपने क्या करना है, अथॉरिटी टू दी इंक्यूबेंट, मतलब कि आपने अथॉरिटीज देखनी है कि उसने किसको जवाबदेह होना है और किस किस ने उसको जवाबदेह होना है, यानी कि उसके ऊपर कौन लोग काम करेंगे, उसके नीचे कौन लोग काम करेंगे, उसके पास अथॉरिटीज क्या क्या होंगी, वो क्या क्या देखिए ना, अगर वो इसमें क्लियर नहीं होगा तो एम्बिग्युटी उसको रहेगी ना। तो इसमें वो कह रहा है कि सबसे अहम काम जो आप उस, आपको चाहिए कि आप लिख कर रखें ताकि इशू ना हो, दैट इज अथॉरिटी, कि आपको पता हो कि उसने किस किस को जवाब देना है और आपने किस किस को जवाब देना है, किस से पूछ के उसने फैसले करने हैं और किस से पूछकर उसने फैसले नहीं करने। ये नहीं हर आदमी की बात उसने मानना शुरू कर देनी है, उसको पता हो कि जी मेरा एक्चुअल बॉस कौन है, मुझे किसका हुक्म मानना है और किसका हुक्म नहीं मानना। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज, उसकी जिम्मेदारियां क्या है, उसकी ड्यूटीज क्या है, यानी कि वो क्या क्या उसने करना है और क्या क्या उसने नहीं करना, क्या क्या चीजें उसको मिलेंगी और क्या क्या चीजें उसको नहीं मिलेंगी, उसकी पे क्या होगी, अलाउंसेस क्या होंगे, ओवरटाइम होगा नहीं होगा, पिक एंड ड्रॉप, मेडिकल वगैरह, ये तमाम चीजें आप उसको बताएंगे कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज क्या है, कि उसकी जिम्मेदारियां और अख्तियारात क्या है। और थर्ड, जॉब समरी, कि आप उसको एक छोटे सी समरी बना के देंगे ताकि उसको पता हो कि अल्टीमेटली, तो जॉब डिस्क्रिप्शन जब आपने लिखनी है तो सबसे पहले आपने जॉब आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद जॉब स्पेसिफिकेशन, उसके बाद वर्किंग कंडीशन, स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, अथॉरिटी ऑफ द इंक्यूमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज, और फिर जॉब समरी। तो अब आप क्या कर रहे हैं जी, ये जॉब डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, यानी कि आप ये उसको बता रहे हैं कि उसने क्या करना है क्या नहीं करना, आप उससे क्या चाह रहे हैं, रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह का आदमी चाहिए, किस तरह का आदमी आपको नहीं चाहिए। तो ये चीजें सारी आप पहले ही फाइनल करके रखते हैं। उसके बाद है जी राइटिंग द जॉब स्पेसिफिकेशन, कि आपने उसकी स्पेसिफिकेशन लिखनी है, इसमें आप क्या लिखते हैं जी, बट ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस आर रिक्वायर्ड टू डू दिस जॉब वेल, मतलब कि ये जिस जॉब के लिए आप आदमी रख रहे हैं इसके लिए किस खासियत का, किस तजर्बे का, किस एजुकेशन का आदमी आपको चाहिए जो बेहतर होगा। मसलन देखिए, टीचर अगर आपने रखना है, एक जो एम फिल टीचर है, अगर वो फ्रेश एम फिल करके आया है तो तब भी एम फिल है, और अगर एक आदमी का 10 15 20 साल हो गए एम फिल किए हुए तो तब भी वो एम फिल है, दोनों एजुकेशन बराबर है, दोनों टीचर भर्ती हो सकते हैं, दोनों एज ए टीचर ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों पढ़ा सकते हैं। लेकिन अब यहां पर आप स्पेसिफिकेशन में क्या देखेंगे कि आया आपको टीचर आपके अंडर ग्रेजुएट के लिए चाहिए कि ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए चाहिए, बीबीए के लिए टीचर चाहिए, एमबीए के लिए चाहिए कि एमएस के लिए चाहिए। तो जारी बात है, इफ यू वांट टू हायर ए टीचर फॉर एमएस क्लासेस तो फिर आप उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और होगी, ठीक है, बेसिक क्वालिफिकेशन एमफिल ही होगी, लेकिन आप उसका एक्सपीरियंस देखेंगे, आपकी कोई रिक्वायरमेंट कुछ और होगी उसको हायर करने के लिए, क्योंकि आपकी नजर में होगा कि भाई हमें खाली है एमफिल ही नहीं चाहिए, ये एमएस के बच्चों को पढ़ाना है, इसमें वहां पर सीनियर लोग बैठे होंगे, एग्जेक्टिव बैठे होंगे, ऐसे लोग बैठे होंगे जो 10-10, 15-15 साल जॉब करके आए हैं, वो पढ़ने आए हैं, तो क्या हम एक ऐसा टीचर खड़ा करेंगे जिसको कुछ नहीं पता हो, डेफिनेटली ऐसा नहीं है। फिर आप भी उनके आगे एक ऐसा टीचर खड़ा करेंगे जो कम से कम
उनसे बेहतर हो ताकि उनके क्वेश्चन को, उनकी चीजों को, उनकी क्यूरीज को हैंडल कर सके। मोर लेस अगर आप एक ऐसा टीचर रखना चाह रहे हैं जिसे सिंपल बीबीए को पढ़ाना है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को बनाना है, और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में भी पहले दो चार सेमेस्टर को पढ़ाना है, तो फिर आप कहेंगे कोई बात नहीं, अगर खाली एमफिल भी है, दो चार छह महीने का एक्सपीरियंस भी है तो चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर उसने बीबीए के साथ में आठवें को पढ़ाना है, स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज पढ़ाने हैं, तो फिर आपको उस तरह। सो स्पेसिफिकेशन में आपको उनका एक्सपीरियंस, उनकी एजुकेशन और उनके जो दूसरे चीज के वो आपने देखने हैं, और उसके साथ आपको तीन चीज देखनी है, स्पेसिफिकेशन फॉर ट्रेन्ड वर्सेस अनट्रेन्ड पर्सन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ट्रेन और अनट्रेन दोनों को स्पेसिफिकेशन क्या होंगी, स्पेसिफिकेशन बेस्ड ऑन जजमेंट और स्पेसिफिकेशन बेस्ड ऑन स्टैटिकल एनालिसिस। सबसे पहले आप ट्रेन्ड और अनट्रेन्ड को देखेंगे, फिर जज करेंगे और देखेंगे भी जजमेंटली इसको, और थर्ड आप स्ट्रेटेजिकली एनालिसिस करेंगे उनके, और आप अपनी जॉब स्पेसिफिकेशन को डिफाइन और डिसाइड करेंगे। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो बताइए जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी वन जी। जी एनी क्वेश्चन सर, ये जो स्पेसिफिकेशन बेस ऑफ जजमेंट है, ये किस तरह की जजमेंट, मतलब के किस टाइप की जजमेंट है? दोबारा क्वेश्चन पूछो। सर ये जो स्पेसिफिकेशन बेस्ड ऑन जजमेंट है, ये किस टाइप की जजमेंट है? अच्छा हाँ, देखिए स्पेसिफिकेशन ऑन, भाई ने पूछा जी ये जो स्पेसिफिकेशन बेस्ड ऑन जजमेंट है, ये किस तरह की स्पेसिफिकेशन होंगी, ये किस तरह के, या आप इसको क्यों, तो भाई ये पूछा ना आपने, जी सर मैंने यही पूछा। देखिए इसमें वो कह रहा है कि जी कि आपकी एजुकेशन जो है, यानी कि आपका एजुकेशन का कैरियर कैसा रहा, आया आप मैट्रिक एफ ए बी ए एम ए एम बी एम फिल में थर्ड डिवीजन लेके पास होते रहे, फर्स्ट डिवीजन लेके पास होते रहे, आप जब जजमेंटल कर रहे हैं ना, किस सब्जेक्ट में आप कितने नंबर लेते रहे, हो सकता है कि आपका हो तो ए ग्रेड, आपने 80% से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हो, लेकिन फाइनेंस के सब्जेक्ट में आपके ज्यादा नंबर आ रहे हो, मार्केट में कम आ रहे हो। कुछ बच्चे के फाइनेंस के सब्जेक्ट में ग्रिप ज्यादा होगी,